शब्द एक ऐसा होता है जिसे कोई भी स्पर्श नहीं कर पाता, लेकिन शब्द सभी को स्पर्श कर जाता है। मैदान में हारा हुआ इंसान वापस जीत को हासिल कर सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत नहीं पाता। आप कितनी ही कोशिश कर लें, लोगों की धारणा आपके प्रति नहीं बदलेगी। इसलिए हमेशा खुश और सुकून से अपनी जिंदगी जिए और हमेशा खुश रहें। जीवन में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं है, जबकि एक दूसरे के लिए आवश्यक होना जरूरी है। किसी के भी बुरे समय में उसका सहारा बनकर उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय बाद निकल जाएगा, लेकिन वह आपको जिंदगी भर दुआ देता रहेगा। इत्र से तो कपड़े भी खुशबू से महक उठते हैं, लेकिन असली आनंद तो तब आता है जब आपके किरदार से खुशबू उठे। व्यक्ति अपने जीवन में सफल तभी होगा जब वह दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। पैर से कांटा निकलता है तभी चलने का भी आनंद आता है, और जब मन से अहंकार निकलता है तो जीवन जीने का असली आनंद आता है। हमें अपनी जिंदगी में थोड़ी अकड़ भी दिखानी जरूरी है, क्योंकि लोग मांस जैसे दिलों को अक्सर जला दिया करते हैं। जिस व्यक्ति के साथ रहने से आपके विचार शुद्ध होने लगे, तो यह समझ लेना कि वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। जो लोग आपकी कीमत नहीं समझते, उनसे दूरी बनाकर रहना ही अच्छा है। खुद को शांत सागर की तरह बनाएं, इसमें कोई अंगारा भी डाले तो वह खुद ही बुझ जाए, ना कि माचिस की तीली के समान जो कुछ संघर्ष मार से ही खुद को सुलगा ले। व्यक्ति को बुरे समय में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाच कर लेते हैं। आज से हमारा जिंदगी में राब्ता तो सबसे होगा, पर वास्ता किसी से नहीं। थोड़ा समय क्या बुरा आया, गैरों की लाइन में अपने को सबसे आगे पाया। यदि आज हार मान ली तो जिंदगी में कभी अपने पर गर्व नहीं कर पाओगे। सूर्योदय अंधकार को समाप्त कर देता है, वैसे ही प्रसन्नता भरा मन सारी बाधाएं समाप्त कर देता है।